कैसे हैं आप सब? मेरा नाम फरजाना है, आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो फिर भी मेरा नाम फरजाना है। वो तो जान ही जान। स्टार्ट हो गया। हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? होपफुली सब मज़े में होंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों का भाई आ गया है और एक नए वीडियो के साथ, तो बहुत मज़ेदार वाला वीडियो बनने वाला है। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखना कि आपको कोई भी मेरी मस्ती मिस ना होनी चाहिए भाई, कोई भी मिस, कुछ भी मिस नहीं होने चाहिए। सो इसीलिए वीडियो पूरा देखो यार। तो मैं आप लोगों के लिए मतलब इतने अच्छे अच्छे वीडियोस लाता हूँ मैं आप लोगों को, मतलब पूरे जगह एक्सप्लोर कर रहा हूँ यार मैं। इस बार तो मेरा वीडियो कहाँ पे, चश्मेशाही पे। सो उसके पूरा नज़ारा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा उस टाइप का। तो गाइस देख लो यार। तो मैंने पहले आप लोगों को ट्यूलिप गार्डन का भी दिखाया और मैंने आप लोगों को संडे मार्केट का भी दिखाया और जो मैं करगिल से यहाँ आया था कश्मीर उसका भी दिखाया। तो मैं मतलब मेरे से जितना हो सकता है मैं उतना कर रहा हूँ। हाँ बाकी आप लोगों के भाई, आप लोग सपोर्ट करोगे तो मतलब मैं और मतलब मेहनत करके और भी अच्छे वीडियोस बनाऊंगा। चलो छोड़ो इन बातों का, तो आज हम लोग आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। तो आज मैं जा रहा हूँ चश्मेशाही, बहुत ही खूबसूरत जगह। वो बहुत ही खूबसूरत जगह, मतलब मैं आज तक जितने भी मतलब जगहों में गया हूँ, मतलब जितने बागों में गया हूँ, मतलब जितने भी पार्कों में गया हूँ, मुझे चश्मेशाही सबसे खूबसूरत लगा कसम से। क्योंकि वहाँ पे मतलब है यार खूबसूरती बहुत है। तो आज मैं वहाँ जा रहा हूँ मेरी एक कज़न के साथ जो मेरा नीचे वेट कर रही है, और मैं आप लोगों को जब मैं नीचे पहुँचूंगा तो मैं दिखाऊंगा कौन है वो। मुझे तो लगता है आप उनको जानते ही होंगे। हाँ जानते ही होंगे, आपको नीचे जाके पता चलेगा। अभी मैं डल लेक में जा रहा हूँ, वो लोग गार्ड नंबर 2 में बैठी है। सो उन लोगों ने मुझे बुलाया था 11 बजे, अभी बच रहे हैं 10:45। तो अभी मैं यहाँ से निकलूँगा, फिर मैं डल लेक में आप लोगों को दिखाऊँगा और उनसे भी मिलाऊँगा। तो अभी हम वहाँ जाएँगे। सो वीडियो प्लीज़ आप पूरा देंगे, अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों को शेयर कर रहा है, कुछ नहीं जाता यार। चलो यार वहाँ नीचे मिलते हैं, बाय। तो गाइस मैं अभी यहाँ पर पहुँच चुका हूँ और उसका वेट कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ रह गई। तो वेट कर रहा हूँ यार डल लेक में अभी मैं। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको मेरे किसी फ्रेंड से मिलाने वाला हूँ, तो वो अभी आ चुकी है और वो हमारे साथ है। तो वो ये रही, हाय अस्सलाम वालेकुम। इनको तो आप जानते होंगे, ये करगिल के मतलब जाना माना है एक ब्लॉगर है। सो आज मैं इनके साथ एक वीडियो बनाने आया हूँ क्योंकि मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो इनके साथ जाना है, तो आप कुछ बोलिए। हेलो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम फरजाना है, आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो फिर भी मेरा नाम फरजाना है। वो तो जान ही जान। अभी ये मेरा कजन है आप लोग को बता दूं तो, और जितने भी व्यूअर्स है रिक्वेस्ट है, इसके वीडियोस बहुत अच्छे आते हैं, सपोर्ट कीजिए इसे। थैंक यू। और ज्यादा तो क्या कहूँ, अपना थोड़ा एडवर्टाइजमेंट कर देती हूँ, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। कर लीजिए okay, आप लोगों का बहुत भला होगा, इनका भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दुआएं मिलेंगी आपको। तो अभी हम आप लोगों को आगे दिखाएंगे, अब जहाँ जहाँ जाएंगे सारे सीन्स दिखाएंगे, तो वीडियो में बने रहना। तो दोस्तों अभी हम चश्मेशाही की ओर जा रहे हैं, बस पहुँचने के बाद हम आपको दिखाएंगे चश्मेशाही का नज़ारा, तो वीडियो में बने रहना। तो गाइस अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं चश्मेशाही के बाहर, और अभी हमने यहाँ पे कुछ सामान ले लिया है कुछ खाने के लिए अंदर। तो हम सब यहाँ बैठे हैं, अभी हम अंदर जाएंगे। तो गाइस अभी हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे बहुत खूबसूरत नज़ारा है और बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ पे अभी हम सब घूमेंगे, अभी वीडियोस बनाएंगे, आपको सीन दिखाएंगे। तो ये मतलब इन लोगों ने बहुत खूबसूरत बनाया और यहाँ से नज़ारा बहुत अच्छा दिखता है, नीचे से पूरे कश्मीर का नज़ारा दिख रहा है यहाँ से। सो तो देख लीजिए यहाँ पे। तो
ये रही फरजाना दीदी, यहाँ पे वीडियो ले रही है। आपको बता दूं, ये है कृष्णा है ये, और हमारे भाषा में, लेकिन देखिए अच्छे से बनाया इनको। यहाँ पे देख लीजिए, ऊपर देख लीजिए, और यहाँ पे इंडिया के हर कोने से टूरिस्ट भी है। हाँ, कुछ खाना चाहोगे? तो देख लीजिए गाइस, यहाँ पे कितने सारे लोग आए, यहाँ पे पूरा टूरिस्ट सारे आते हैं क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह है। और मैंने सुना है कि यहाँ पे जो पानी आता है वो पानी शिफा होता है उस पानी से। देखिए यहाँ पे कितने सारे टूरिस्ट आ चुके हैं। सो ये हैं और फोटो वोटो खींच रहे हैं यहाँ पे, मतलब जगह तो बहुत खूबसूरत थी। तो देख लीजिए यहाँ पे कितना अच्छा नज़ारा है, यहाँ से बिल्कुल पानी जा रहा है, बहुत ही अच्छा से। वो यहाँ पे अभी हम जा रहे हैं, अभी हम आपको यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या सीन। अभी हम उस साइड जाएंगे, उस वाली साइड, वहाँ पे आपको दिखाऊंगा क्या सीन है। तो मेरा साइड पीछा अभी हम यहाँ चश्म चाय से निकल रहे हैं, बहुत घूम लिया यहाँ पे और बहुत ही अच्छा नज़ारा है और बहुत सारे फोटोज खींचे हम लोगों ने। अब हम यहाँ से निकल, अब सोच रहे हैं कि साथ में बॉटनिकल पार्क भी घूम लें। तो देखते हैं अगर टाइम हुआ तो बॉटनिकल पार्क में जाएंगे। अभी हम यहाँ से निकल रहे, तो खुदा हाफिज़, बॉटनिकल में मिलेंगे अभी अगर टाइम हुआ तो। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अगर हमें टाइम मिला तो हम बॉटनिकल पार्क में जाएंगे, तो अभी हम वहीं पे जा रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास बहुत टाइम है। तो वहाँ पे भी थोड़ा घूम लेंगे और आप लोगों को दिखाऊंगा मैं वहाँ का नज़ारा भी साथ में। तो वीडियो में बने रहना और ज़रूर लाइक करना। अब इतना मेहनत कर रहा हूँ कसम से, लाइक एक तो बनता है यार, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, ठीक है? तो अभी हम लोग बॉटनिकल पार्क में मिलेंगे, तो वीडियो में बने रहना। तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। अभी हम अंदर पहुँच चुके हैं गार्डन के अंदर, और यहाँ पे भी हम फोटो वोटोज भी खींचेंगे और आप लोगों को सीन भी दिखाएंगे। हाँ, बहुत बड़ा है और आज गर्मी भी अच्छी है, तो मज़ा आ रहा है घूमने में यहाँ पे। और यहाँ पे मतलब जंगल जैसा है पूरा, बिल्कुल बड़े बड़े पेड़ हैं, बहुत अच्छा नज़ारा है। और यहाँ पे देख लीजिए पूरा डल है, तो यही सब है, दिखाते हैं आपको, देख लीजिए। बस वीडियो आज यहीं तक ही बना लेते हैं यार, बहुत थक गए, दो दो पार घूम लिए, बहुत गर्मी भी है। सो मुझे लगता है वीडियो यहीं पर बंद करना चाहिए क्योंकि और ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने के लिए। तो अब बस हम घर के लिए निकलेंगे। तो थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दे, और यार 500 सब्सक्राइब कर दो यार, 500 सब्सक्राइबर्स करा दो। तो बस यही उम्मीद से मैं वीडियो बनाता हूँ कि आप लोगों को पसंद आए वीडियो। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।